आज दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने वीडियो वैन लॉन्च करें। पहले फेज में ये वैन दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनियों में जाएगी। इसके जरिए जनता को बताया जाएगा कि मोदी सरकार ने फैसला किया है कि राजधानी के 1731 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 से 50 लाख लोगों को उनके मकानों का मालिकाना हक देने वाले हैं। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित करेंगे। इसमें आने के लिए अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को न्योता दिया जाएगा। बीजेपी के एक नेता ने बताया कि दूसरे फेज में ये वैन दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाकर नागरिकता संशोधन कानून और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के बारे में जनता को जागरूक करेगी। अभी विरोधी राजनीतिक दलों के जरिए मुसलमानों को डराया जा रहा है। वैन के माध्यम से सरकार का स्पष्ट रुख लोगों को बताएंगे ताकि समाज में अफवाहें ना फैलें। तीसरे फेज में वैन के जरिए दिल्ली सरकार की असलियत को जनता के बीच रखेंगे।